प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर अभी डिस्कशन चल रहा है, तो इससे पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़े थे बच्चों, और वर्क से हम लोग फिर एनर्जी पढ़े थे। एनर्जी से हम लोग ये समझे थे कि किसी भी चीज़ में एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कि उसके पास कितनी क्षमता है, कि हाउ मच इट हैज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इससे हमने पता किया था कि उसके पास कितनी एनर्जी होती है बच्चों। तो वैसे जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है उस पर एनर्जी स्टोर होता है, और जो काम करता है उसकी एनर्जी कम होता है, ऐसा हमने बात किया था। तो ऐसे जब हम लोग बड़ा काम करते हैं, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़, एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने स्पीड के रूप में दिख रहा है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं होता बच्चों, हमेशा ये जरूरी नहीं होगा। क्या होगा, जब आप काम करें तो हो सकता है किसी और फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो सकती है, हो सकता है कि उसके पास किसी और फॉर्म में एनर्जी चले। जैसे आप काम किए तो हो सकता है उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाए, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। प्लस आप काम करें तो उस पर कुछ और फॉर्म में एनर्जी आ जाए, जैसे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाए बच्चों। तो वर्क करने से एनर्जी अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो सकती है बच्चों। तो आज हम लोग उसी में क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं सकते बच्चों। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हर जगह, बहुत जगह यूज होता है, और इसको 11th में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं उसकी बेटा नींव रखने वाला हूँ, और आपके फंडास सारे क्लियर होने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको बहुत सी इंपॉर्टेंट बात ही पता नहीं है, वो बस इधर उधर की बातें करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जो उसका इम्पोर्टेंट है, जो हर एक चीज़ उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है, जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो डिफाइन होता है बच्चों। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले बच्चों, और अपना पोटेंशियल भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं, तब पढ़ने में मज़ा आएगा बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे ही कि आपके पास एक, समझो एक ये है, क्या है बच्चों, एक रबड़ का समझो बैंड है, तो उसको आप पकड़ के खींच दो। जब रबड़ बैंड को पकड़ के खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी बच्चों। उसमें स्पीड तो कुछ आई नहीं है, उसमें आपने क्या किया, सिर्फ उसको डिफॉर्म किया है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है। वो क्या एनर्जी बच्चों, जितना आपने काम किया उसको खींचने में, आपने काम किया कुछ कि फोर्स लगाया और थोड़ा स्ट्रेच हुआ, तो कुछ डिस्प्लेस भी हुआ बच्चों, तो उसमें आपने काम किया, वो काम क्या हुआ, आपके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है उस बैंड में बच्चों। प्लस जो टॉय कार का मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो बचपन में हम लोग खेलते, जो आप धागा पकड़ के खींच देते, तो उसके अंदर स्प्रिंग रहती है, और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाते हैं बच्चों। प्लस और भी तरह की चीज़ें आपने देखा होगा जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है बच्चों। और कैसे, हम लोग टंकी से बटा मोटर से पानी चढ़ा देते हैं ऊपर टंकी में, तो उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है बच्चों। और वही पानी को जब नीचे अपने आप वो आ जाता है बच्चों, नीचे लाने के लिए कोई मोटर तो लगाना नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने आप बदल जाती है बच्चों। जैसे आप नल खोलते पानी आ जाती है ऊपर से, आपको काम करना पड़ता नहीं, लेकिन उसको ऊपर ले जाने के लिए काम करना पड़ता है बच्चों। तो हमने जो काम किया ऊपर ले जाने में, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाते हैं बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पर करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले बच्चों हम लोग उसका कुछ इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखते हैं बच्चों, कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या होता है, मैं लिखता हूँ बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। बोलेंगे सिस्टम क्या है सर, सिस्टम यहाँ मैं किसको बोल रहा हूँ, आखिर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक पार्टिकल बोल दिया जाए तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं बच्चों, ये उसका कोई मतलब नहीं है। एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी किसके डिफाइन होता है, एक सिस्टम, सिस्टम मतलब उसके अंदर बच्चों एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तब वो सिस्टम कहलाता है। सिस्टम यहाँ पे क्या बच्चों, कि उसके अंदर मोर देन वन पार्टिकल ऐसा होता है बच्चों,
उस पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये बात आपको याद रखना बच्चों कि इट इज़ डिफाइंड फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। और इसको मैं अभी पूरा एलिबोरेट से बच्चों आपको बताऊँगा जब मैं पोटेंशियल एनर्जी के उसका जो फॉर्मूला मैं निकालूंगा अलग अलग चीज़ों के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ गया बच्चों, ये एक मोर देन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कोई मतलब नहीं बच्चों। जैसे कि आप रबर बैंड देख रहे हो, तो रबर बैंड एक पार्टिकल नहीं है बच्चों, रबर बैंड में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एक बॉडी बच्चों उस बॉडी के लिए डिफाइन हो सकता है, बट एक पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो एक सिस्टम है, वो रबर बैंड एक सिस्टम की तरह ही है, ठीक बच्चों। अब जैसे ही कि सर और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है बच्चों। और एक बात क्या बच्चों कि इट डिपेंड किस पे होता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन। अब बोलेंगे ये क्या बात है सर, इतना अंग्रेजी आखिर ये इतना इंग्लिश क्यों लिखा जा रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों उसकी क्या मतलब लोकेशन है, मतलब इनिशियल उसकी पोजिशन क्या है बच्चों। मान लो दो पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ पे एक है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक। तो ये इनिशियल स्टेट है बच्चों, अभी ऐसा है, कुछ समय बाद क्या हुआ, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ चल गया, मतलब बच्चों इसकी दूरी बढ़ गई। अभी R1 थी, बाद में पहले R1 थी बाद में R2 हो गई। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब बच्चों दोनों के बीच जो पार्टिकल का रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो जा रहा है बच्चों, या उसका ओरिएंटेशन, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन एक तरह का समझ सकते हो कि उसकी पोजिशन चेंज हो, रिलेटिव पोजिशन बच्चों चेंज हो रहा है। जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें भी अलग अलग मोलिकुल्स अलग अलग पोजिशन पर आ रहे हैं बच्चों, जब स्प्रिंग कंप्रेस तो वहाँ भी मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेपरेशन चेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है बच्चों। तो ये ध्यान रखो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। और अकेला कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि वो रिलेटिव होता है, जैसे कि हम बताएं तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों। तो ये बात आपको याद रखना कि इट इज़ डिफाइंड फॉर बट कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर बट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं बच्चों। जैसे हम बोल दो कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कुछ होगा, ऐसा नहीं बच्चों, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। या एक और बात लिख लो, एक और बच्चों बढ़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली चेंज इन पी लिख दे रहा शॉर्ट में बच्चों, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ओनली चेंज इन पी इज डिफाइंड बच्चों, यही डिफाइन होता है बच्चों, इसके अलावा और कुछ आप बोल ही नहीं सकते। इसको आपको याद रखना बच्चों, रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये आप आगे भी पढ़ेंगे कि ओनली चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है बच्चों। और क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम के लिए डिफाइन है बच्चों। सिस्टम में क्या है कि एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके अनुसार से बच्चों हम लोग पता करेंगे कि एनर्जी उसकी बढ़ रही है या घट रही है, इससे पता चलेगा बच्चों हमको। तो हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों और फिर पोटेंशियल एनर्जी को समझते हो डिटेल से। तो अभी तक हम लोग बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग उसके अंदर आते हैं जो हमको पढ़ना होता है, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, यहाँ पर लगा दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसा है सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग तरह का है बच्चों, स्प्रिंग में अलग है आपने मैंने बताया, प्लस आपका बैंड में होगा और भी बहुत जगह, लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब सर कि समझो बच्चों कि हमारे क्या है, ये ग्राउंड है बच्चों, ये तो ग्राउंड है, ये अर्थ है बच्चों, ठीक। ये क्या है, ये अर्थ का ग्राउंड है बच्चों, ये मैं अर्थ लिख दे रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है बच्चों, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिस्टम होना चाहिए तभी तो डिफाइन होगा बच्चों, एक पार्टिकल के लिए कुछ डिफाइन नहीं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन है बच्चों, एक लिख लो, अभी तो ऑब्जेक्ट प्लस अर्थ हम लोग ले रहे हैं, मुझे ये सिस्टम है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा अर्थ है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसके लिए डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि अर्थ बच्चों हर हमेशा होता है। तो हम लोग क्या कह देते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट मान लो अभी ये इनिशियल है बच्चों, ये एच वन हाइट पर, ठीक। अब इसको मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ कितना लगा रहा हो, अर्थ इस पर ग्रेविटी जितना लग रहा है बच्चों, कितना लग रहा है, एम जी, ये मास एम का है बच्चों, तो इस पर एक एम जी फोर्स अभी लग रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है बोलिए भाई लोग,
एम जी, और हम बच्चों ऊपर से एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, हम भी ऊपर से एक्सटर्नल कितना एम जी के बराबर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों, ताकि ये चल पाए। इसको अब मैं ऊपर की ओर ला रहा हूँ ऐसे उठाकर, एकदम एम जी फोर्स लगा के, जितना भी एम जी नीचे लग रहा है ग्रेविटी, और मैं अपने हाथ से इसको लगा के ऊपर की ओर ला रहा हूँ। तो अब ये फाइनल हाइट बताना कितना है बच्चों, ये है H2, ये कितना हाइट है, ये हाइट है H2 बच्चों, मैंने H2 हाइट इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इस जगह से यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी आ गई है बच्चों, क्योंकि मैंने इस फोर्स के अगेंस्ट काम किया बच्चों, तो मैंने इस पर एनर्जी स्टोर की, क्योंकि मैंने वर्क किया है, तो वर्क करने से एनर्जी स्टोर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैंने एक फोर्स लगाया बच्चों, डिस्प्लेस भी हुआ है, तो इस पर मैंने एनर्जी स्टोर की, तो वो एनर्जी गया कहाँ, इसके पास तो बेटा कोई स्पीड आई नहीं है जो मैंने काम किया है, मैंने क्योंकि एम जी लगाया और नेट फोर्स जीरो ऑलमोस्ट है, और तो ये स्लोली स्लोली यहाँ पर आ गया बच्चों, तो इसके पास कोई स्पीड नहीं है, तो मेरा वर्क गायब तो नहीं हुआ, वो एनर्जी में गया, किस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम कैसे निकालेंगे, तो याद करिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले थे भाई लोग, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था बच्चों कि उस पर कितना काम किया गया उस वेलोसिटी को लाने के लिए, वही उसमें एनर्जी स्टोर हुआ था। तो यहाँ पे भी बच्चों इस पर कितना काम किया गया, यहाँ से यहाँ इस पर जितना काम किया गया उतना ही एनर्जी स्टोर होगा बच्चों, और वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा बच्चों, जितना हमने काम किया। तो डेल्टा यू होता है बच्चों, यू कुछ होता है नहीं बच्चों, कि चेंज कितना हुआ, आखिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, यहाँ पर कुछ होगा बाद में कुछ होगा बच्चों, चेंज कितना हुआ, मैंने बोला क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो ये मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो चेंज, तो वर्क डन कितना हुआ बच्चों, मैंने फोर्स कितना लगाया है, फोर्स मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया है, तो वर्क पहले मैं निकाल लेता हूँ बच्चों, वर्क कितना किया मैंने एफ एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल जो होगा बच्चों एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो मैं एफ इंटू एस लिख सकता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई लोग यहाँ से यहाँ बताओ जल्दी बताइए बच्चों, ये एच टू माइनस एच वन हो गया, फोर्स क्या हो गया, फोर्स एम जी के बराबर बच्चों, फोर्स जो नीचे एम जी ऊपर एफ एक्सटर्नल एम जी के बराबर बच्चों, जितना वेट है उतना ही लगा रहे हैं, ताकि इस पर नेट फोर्स मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाए, एम जी इंटू ये हो गया बच्चों एच टू माइनस एच वन, ये है डिस्प्लेसमेंट भाई, और डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा भाई, इसके बराबर, क्योंकि जितना मैं काम करूँगा वही उसके पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों डब्ल्यू एक्सटर्नल, या इसी को अपन, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा यू लिख सकते भाई, तो ये आ जाएगा एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ये हो गया डेल्टा यू, और H2 भाई क्या है, H2 बच्चों ज़्यादा है ना, H2 ज़्यादा है और H1 कम है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से किसी चीज़ को ऊपर ले जा रहा हूँ भाई, जब मैंने कुछ ही हाइट पर बच्चों, तो अर्थ के सरफेस से जब चीज़ों को ऊपर ले जा रहा है तो एनर्जी उसकी पॉजिटिव आ रही है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसका एनर्जी पॉजिटिव हो चुका है, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो एक लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड अपवर्ड इट्स पी इंक्रीजेज बच्चों, यहाँ पे अर्थ को लिखने का कोई मतलब नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों सिस्टम की बात हो रही है, दोनों का एनर्जी बढ़ रहा है बच्चों, मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट एक सिस्टम है, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अर्थ बच्चों हमेशा क्या है, अर्थ तो कॉमन ही है, मतलब अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ कॉमन ही है हमारे लिए, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही आ रहा है बच्चों, तो अर्थ हमारे लिए कॉमन है, तो हम लोग सिर्फ क्या बोल देते हैं, हम लोग सिर्फ बोल देते हैं इसके पास ही एनर्जी स्टोर हो गई, बट एक्चुअल में एनर्जी इसमें और अर्थ ये सिस्टम में स्टोर हुई बच्चों, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा बोल दे कि इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, नहीं ये बात बोल ही नहीं सकते, क्या बोल सकते हैं
कि अर्थ और ऑब्जेक्ट एक सिस्टम है और इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई, ऐसा बोलना चाहिए। पर बच्चों अर्थ तो हमारा हमेशा ही रहता है, तो हम लोग बोलचाल भाषा में ऐसे ही बोल देते कि इसमें ही एनर्जी स्टोर हो गई है, किसमें इस ऑब्जेक्ट में ही बोल देते एनर्जी स्टोर हो गई। बट सही चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो बच्चों इसमें एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होता है। जैसे इसको ऊपर ले आएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब इसको डाउन लाएंगे बच्चों तो क्या होगा, ये डाउन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ ला के छोड़ दो ऑटोमेटिक डाउन आएगा। तो नीचे आने से क्या होगा, ये इसकी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी और ये खुद एनर्जी अपना लूज कर देगा बच्चों। कितना लूज करेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी और इसका उल्टा हो जाएगा, तो एनर्जी वो डिक्रीज करेगा बच्चों। तो एक बात लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट डिसेंड, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो क्या होगा, पी डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीज होने वाले बच्चों, ठीक। इतनी बात समझ लो। अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं फिर से देखो दिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा यू क्या बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज क्या मतलब, चेंज होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिख सकते बच्चों, ठीक। और इसको लिख सकते हैं MgH2 माइनस MgH1, ये लिख सकते बच्चों। अब हम लोग क्या करते बच्चों, यू इनिशियल जो है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियल अर्थ सरफेस पर रखा हुआ कुछ और यहाँ से इसको उठा रहे, तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर जब H1 लिख देता हूँ, व्हेन H1 इज जीरो, जब इस सरफेस से इसकी दूरी जीरो है बच्चों, तो इनिशियली हम लोग अगर यदि जीरो मान लें, जीरो होता नहीं बच्चों, हम जीरो मान सकते हैं, हम कहीं भी कुछ भी मान सकते, तो चेंज सिर्फ उतना ही आए। तो हम अगर यदि इसको जीरो मान लें बच्चों, H1 को जीरो मान लें, और उस समय यू आई जीरो होगा, मतलब जब H1 इज जीरो, यू आई को हम जीरो मान लें, तो यू फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, MgH2 बच्चों, सिर्फ MgH2। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर यदि हम सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये सरफेस बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लें और इसको एच हाइट पर ले जाएँ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कितना से, MgH। और यही आप पढ़ते आएंगे बच्चों कि MgH से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया गया तो। और कोई ऑब्जेक्ट को अगर यदि ऊपर से H हाइट से अगर यदि नीचे ले आए तो उसकी उतनी एनर्जी कम होगी बच्चों, माइनस MgH वो कम होने वाली, ये बात आपको पता है बच्चों। तो एनर्जी यदि सिस्टम वो चेंज या बढ़ रहा है बच्चों, ये MgH पूरे सिस्टम की हो रही है, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी बच्चों अभी चेंज हो रहा है। तो आयो बच्चों ये समझ में आया होगा कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये MgH के बराबर होता है बच्चों जब हम लोग हाइट ले जा रहे हैं, ठीक। अभी आपको इतना समझ में आ गया बच्चों। और ये सब बट अर्थ की नियर होता है, ऐसा नहीं यहाँ से मून ले गए, वो अलग केस है, हम लोग अर्थ की नियर बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें मतलब हमारे लगभग 300-400 मीटर के दौरान हो रही, जहाँ पर जी बेटा कॉन्स्टेंट है, जी अभी कॉन्स्टेंट ही है। तो आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी MgH इंक्रीज होता है बच्चों, चेंज है आखिर, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गया तो चेंज इंक्रीज हुआ MgH से, इसको लाया गया तो डिक्रीज होगा MgH से, ठीक। अब कुछ और बात करते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा। अब बच्चों देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लिख रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो चेंज की बात कर रहे हैं, कुछ चेंज क्या होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा। मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन का, जो मैंने पहले बोला था कि अभी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों की पोजीशन है, और ये ऑब्जेक्ट को जब यहाँ ले आए तो ये अगला, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से उस पर एनर्जी स्टोर हुई थी बच्चों, ये बात मैं पहले ही बोला था आपको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब सर, इसका मतलब बताइए सर, बता रहे हैं। देखो बच्चों ये ग्राउंड है और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सीधा ले जाऊँ यहाँ तक, ठीक, स्ट्रेट लाइन में ले गया एच हाइट से, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना इसका बेटा चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा,
बड़ा मस्त सर, MGH MGH होगा ना? होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले आना तो एच ही हाइट है, लेकिन ऐसे नहीं ले गया, मेरा मूड नहीं कर रहा सर, ऐसा मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं सीधा सीधा ले जाऊँ, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। बोलो सर, ऐसे घुमा के टेढ़ा ऐसे घुमा के, लगे ऐसे चौं, लेकिन लाया मैं एच ही हाइट हूँ, हाइट तो मैं एच ही लाया हूँ, लेकिन मैं घुमा के ले गया हूँ, तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर। और बड़े मजे की बात है कि ये भी MGH ही होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये 11 में पढ़ेंगे, वहाँ पूरा डेरिवेशन करेंगे, अभी नहीं बता सकते हम भाई, अभी हम, मेरी मजबूरी, हम भी नहीं बता सकते बच्चों। मैं 11th क्लास का वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा, अभी तो आपको याद रखना है और आपके लेवल पे इसको रट्टा मार लेना है कि ये पाथ के इंडिपेंडेंट है बच्चों। इसको ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे चौचों ऐसे ले जाएं, कैसे भी ले जाएं बच्चों, लेकिन अभी एच हाइट ले गए क्योंकि इनिशियल यहाँ है बच्चों और फाइनल यहाँ है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर था और बाद में यहाँ था, तो चेंज जो हुआ बच्चों वो MGH, इतना इंक्रीज होने समझ में आ गया बच्चों। तो ये बात इम्पोर्टेंट आपको याद रखना बच्चों कि वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप ऑब्जेक्ट को कैसे भी इस हाइट पर ले आइए, आप इसको नीचे लाइए फिर ऊपर लाइए, एच हाइट आप ले गए तो यहाँ पर है कोई चीज़, इसको घुमा के ऐसे यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से नीचे लाए फिर ऊपर लाए, तो चेंज अभी भी MGH ही होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, सिंपल सा बात है बच्चों। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते बच्चों, क्या पढ़ते हैं, तो पोटेंशियल जी आपको समझ में आ गया और उसके कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं बच्चों कि आखिर एक नया तरह का नाम, आखिर ये दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, समझो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, कि एक यहाँ पर भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, कितनी हाइट पर है, ये एच हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, और मास एम है। जब इसको यहाँ से छोड़ दिया गया तो अभी इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास एक इस अर्थ और ऑब्जेक्ट एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पास क्या है, एक एनर्जी, क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो इसके पास तो बच्चे नीचे फोर्स लगेगी MG, उसके कारण ये चलना शुरू होगा, ये जब चलेगा तो इसकी क्या होगी बच्चों, हाइट कम होगी, हाइट कम होगी, यहाँ आ जाएगी और इसके पास एक स्पीड भी होगी, और जो बच्चों इसकी जो एनर्जी कम होगी, ये मान लो HDS है, तो जब अब HDS कम बच्चों, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी इस समय, इस समय सर बोलेंगे MGH हो जाएगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसके पास कम होगी, पहले MGH थी अब कम होगी, तो जो एनर्जी कम हुई बच्चों वो कहाँ चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई, किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में बच्चों। तो अब जो टोटल एनर्जी था बच्चों, जैसे मैं MGH लिखूं, तो ये एनर्जी किसके बराबर होगा, MGH जो एनर्जी अभी बचा हुआ है, ये इनिशियल था बच्चों, तो बाद में जो एनर्जी होगा ये होगा प्लस हाफ MV² जो उसकी वेलोसिटी है बच्चों, तो ये एनर्जी बराबर है बच्चों, और इस एनर्जी क्या बोल सकते बच्चों, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, यदि ऑब्जेक्ट HDS हाइट पर है तो इसको बोला जाएगा उस समय उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, इसके लिए इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एक नया नाम हम लोग देते हैं बच्चों, ये नया तरह का कोई, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलते हैं भाई लोग, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है सर, ये कोई नया तरह का एनर्जी है क्या, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, नहीं भाई, ये नया तरह का एनर्जी नहीं है, इसको हमने बस एक नाम दे दिया है कि हमें नाम देने में मज़ा आता है सर, हम लोग बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, सारे फिजिक्स वाले मिलके सब हम लोग परेशान करना चाहते हैं, न्यूटन से लेकर आइंस्टीन लेकर और जितने बड़े, सब ने क्या किया, बड़े बड़े नाम रख दिया भाई, इसका भी नाम रख दिया गया, बोल दिया गया ये मैकेनिकल एनर्जी है, और ये होता क्या है, ये कोई नया तरह का एनर्जी नहीं है, ये क्या है, समेशन है बच्चों, किसका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये बोला गया बच्चों कि आखिर आप किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर यदि, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अगर यदि एच हाइट पर है और इसके पास एक स्पीड अगर यदि वी है ऊपर की ओर मान लो,
तो इस समय बच्चों इसके पास जो एनर्जी होगी वो हम लोग पूरा मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। और बड़ी सिंपल सी बात है सर, किस क्या लिख देंगे, एम जी एच लिख देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच प्लस इसकी जो बोले छोटी बच्चों, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, यही इसको टोटल एनर्जी है बच्चों। अभी टोटल एनर्जी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एनर्जी बेटा बहुत तरह का होता है। इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देना है बस, तो वो एनर्जी कहलाएगी बच्चों इसकी मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको ये याद रखना कि आखिर मैकेनिकल एनर्जी किसे बोला जाता है, इसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग पावर के बारे में समझते हैं, आखिर पावर क्या होता है। अभी तक हम लोग बच्चों टाइम का बात ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ एनर्जी स्टोर हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक टाइम को लाया ही नहीं। हो सकता है कोई किसी काम को जल्दी कर रहा हो, कोई उसी काम को लेट कर रहा हो। मतलब सर, मतलब बताइए सर थोड़ा बढ़िया से। देखो बच्चों, मैंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट था भाई, और इसको मैंने फोर्स लगाया था और ये डिस्प्लेस हो गया था। हो गया था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? हो गया था। तो यहाँ पर ये आ गया भाई लोग एस। तो कितना वर्क किया था हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ बच्चों एंगल जीरो है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क एफ एस लिख सकता हूँ मैं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं फोर्स और ज़्यादा लगा रहा हूँ फोर्स। अब मैं अब सेकेंड केस में फोर्स क्या लगा रहा हूँ, टू एफ, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ कितना, एस बाय टू, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट एस बाय टू है, फोर्स टू एफ लगा रहा हूँ, तो वर्क कितना होगा भाई लोग बताओ, टू एफ इंटू एस बाय टू, क्या आ रहा है एफ एस। दोनों ही केस में बच्चों क्या आ रहा है, वर्क सेम ही आ रहा है। इस केस में मैंने वर्क तो एफ एस ही किया है और अभी भी मैंने वर्क एफ एस ही किया है। तो सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सर का अंतर है, मतलब कहना का चाहते सर, जो चाहते कहाँ है सर, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को बताइए। देखो भाई लोग, यहाँ पर क्या है बच्चों, टाइम। अगर यदि टाइम देखा था बच्चों, मैं घड़ी लगा दूँ और बताऊँ, पूछूँ कि बताओ आखिर इसमें टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ इसको जाने में टाइम कितना लगा है, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा है, तो इस बात को आप बता सकते हैं क्या, बताइए ज़रा। बोले बता सकते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें बताना भाई, एक्सीलेशन क्या होगा, फोर्स व मास, इसका मास मान लो यार, मास एम है सर, तो एक्सीलेशन ही होगा बच्चों। जब एक्सीलेशन पता है और यू तो जीरो है, तो टाइम बता सकते हैं हम, बिल्कुल बता सकते हैं सर। तो टाइम किस इसको इक्वेशन में आता है, याद करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू भैया जीरो, यू टी जीरो हो जाएगा, यू जीरो बचा क्या, हाफ एफ बाय एम इंटू टाइम। टाइम तो पता नहीं, यही निकालना है, ऐसा हो गया एक्सेलेरेशन। तो यार टाइम के बराबर क्या आ रहा है भाई, देखो टाइम क्या आ रहा है, टू एस इंटू एम बाय एफ, और इसका अंडर रूट भाई लो, ये आ गया टाइम। टाइम क्या आ गया, टू एस एम बाय एफ अंडर रूट, ये आएगा। अब इस केस में टाइम निकालो जरा, यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना भाई लोग, टू एफ बाय एम, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्सेलेरेशन ये आ रहा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस बाय टू, डिस्प्लेसमेंट ये है ना भाई लोग, यू टी जीरो लिख नहीं रहा हूँ मैं, हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्सेलेरेशन क्या है, टू एफ बाय एम और टाइम स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया बढ़िया सर। अब बताओ जरा, ये कट गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, टाइम बराबर ये आ गया एस एम, नीचे है टू एफ, और ये अंडर ऐसा आएगा भाई, तो इसको बोल देते टी टू, इसको बोल देते टी वन। तो पहला केस से मेरे पास टाइम क्या आ रहा है, टू एस एम बाय एफ, तो एस एम बाय एफ को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, तो अंडर रूट टू, और ये के, के क्या बच्चों, ये वाला, ये के बराबर ये लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट एस एम एफ, तो ये के हो गया, तो यहाँ पर रूट टू के आ गया है, और एस एम यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा वन बाय रूट टू और के। अब बताओ बच्चों आखिर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आप कंपेयर कर सकते हैं, ये आ रहा है रूट टू टाइम्स के, मतलब उसको उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ के बाय रूट टू, मतलब के को रूट टू से डिवाइड कर, रूट टू कितना होता है बच्चों, रूट टू होता है लगभग 1.2
414 ऐसा होता है, रूट क्या है 1.14, तो 1 से बड़ा बच्चों, तो जो टाइम यहाँ पे कम आ रहा है इसका मतलब क्लियरली क्या दिख रहा है, T2 इज लेस देन T1 बच्चों। तो यहाँ पे अगर हुआ क्या कि T2 कम आ रहा है, वर्क तो सेम हो रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे टाइम कम लग रहा है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आखिर टाइम से रिलेटेड एक बात याद आई कि मान लो 100 मीटर का रेस है बच्चों, ठीक, कितना मीटर का रेस है 100 मीटर। अब कोई बंदा क्या करता है बच्चों, इसको 15 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, कोई इसको 13 सेकंड में कर रहा है, और दोनों ने बच्चों यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को ले आया है, मतलब खुद को ले आया है, तो दोनों ने वर्क तो सेम ही किया होगा ना, यहाँ से वहाँ ले गया उसने, काम तो सेम ही किया बच्चों, लेकिन एक ने कम टाइम में किया, एक ने ज़्यादा टाइम में किया। तो जो कम टाइम में किया उन्होंने क्या किया, ज़्यादा एनर्जी लगाया, नहीं ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाया सर, वो ज़्यादा पावर लगाया, पावर पावर पावर, ज़्यादा पावर लगाया। ये वर्ड याद रखो, क्या रखो, पावर। पावर किससे ले देना है, टाइम से। टाइम से बोले तो जब काम किया जाए बच्चों, पावर क्या हो गया तब, काम किया जाए मतलब सर, देखो भाई लो मैं लिख देता हूँ यहाँ, अब इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा मैं, पावर का टाइम से लेना देना है। अभी मैंने सब बताया आपको कि टाइम एक में ज़्यादा एक में कम आ रहा है, मतलब जिसमें टाइम में कम आ रहा है इसमें पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पावर क्या बच्चों में लिख रहा हूँ, देखो पावर, पावर की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क करने का रेट क्या है, रेट मतलब टाइम से लेना देना। तो पावर को हम लोग ऐसे लिखते बच्चों, W/T लिख सकते हैं, W क्या है वर्क, T है टाइम, तो इसका यूनिट क्या है बच्चों, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ठीक, ये है। और इसका और भी यूनिट होता है, किलोवाट पर आवर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, इसका अलग अलग यूनिट होता है बच्चों, क्या होता है अलग अलग, इसको वाट भी बोलते हैं बच्चों, जूल पर सेकंड को ऐसे बोलो वाट बोलते हैं, इसको वाट बोला जाता है, या W, जूल पर सेकंड को वाट बोल सकते हैं बच्चों। तो ये पावर का यूनिट है बच्चों, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, या नहीं तो और भी ऐसे लिख सकते हैं। पावर को हम लोग एनर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ जरा, एनर्जी कैसे डिफाइन करें बच्चों, याद रखो कि जो वर्क करते हैं उससे एनर्जी स्टोर होते जाता है, जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो एनर्जी बाय टाइम भी कई बार लिखा जा सकता है बच्चों, रेट ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी उसमें स्टोर किस रेट से हो रहा है उसको भी पावर के बराबर ही आएगा। और इसको देखो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को क्या लिखे, वर्क बाय टाइम, तो वर्क को क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, इंटू टाइम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको फोर्स इंटू और डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो पावर बराबर ये भी आएगा। फोर्स इंटू वेलोसिटी कब लिखा जाएगा, वर्क ऐसा कब लिखा जाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसी समय तो लिखते हैं भाई लोग, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होता है तभी ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब जब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तब पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों, पावर क्या होता है ये हमने बात की, पोटेंशियल एनर्जी क्या बात करें, और हमने काइनेटिक एनर्जी पहले बात किया था, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, और इसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं, तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। तो आई होप आपको पसंद आएगा बच्चों, और वीडियो को शेयर करते रहिए।